बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपसे सेवइयों की रेसिपी शेयर कर रही हूं और आपको मैं पानी का बिल्कुल ठीक रेशो बताऊंगी, क्योंकि अक्सर या तो सेवइयों में पानी ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेवइयां परफेक्ट नहीं बन पाती। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के देसी घी शामिल किया है। आप देसी घी की जगह डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेवइयां या मीठा आप जब भी बनाएं तो घी में ही बनाएं, क्योंकि घी में मीठा बहुत अच्छा बनता है। अब घी को गर्म कर लेने के बाद 2 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे। इलायची को थोड़ा कड़कड़ा लेते हैं। इलायची को कड़कड़ा लेने के बाद ये तकरीबन 100 ग्राम सेवइयां हैं, जिन्हें हल्का हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है। ये शामिल करके इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। आप जब भी सेवइयां खरीदें तो इस तरह थोड़ी जरा डार्क कलर की खरीदा करें, क्योंकि ये अच्छी खासी भुनी हुई होती हैं, इसे ज्यादा भूनना नहीं पड़ता। अगर जरा लाइट कलर की लेंगे तो उसे हमें थोड़ा ज्यादा देर भूनना पड़ेगा। तो ये सेवइयां हमारी भुन गई हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ये तकरीबन 1 कप पानी है, ये शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1/4 कप मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप हसबे जायका शामिल कीजिएगा। और ये थोड़ी मैंने किशमिश और बादाम लिए हैं, ये भी शामिल कर देंगे। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं और अपनी मर्जी से थोड़े ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब फ्लेम को लो कर देंगे और तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे जब तक के पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, और बीच बीच में 2 से 3 मरतबा चेक करेंगे कि कहीं हमारी सेवइयां लग ना जाए। सेवइयों को पकने में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, यानी कि 10 मिनट हमने सेवइयों को दम पर पका लिया है। अब हमने क्या करना है, सेवइयों को एक दफ़ा इस तरह अलट पलट कर लेंगे और पैन को कवर करके मज़ीद 1 मिनट दम पर पकाएंगे। ये हमारी सेवइयां बनकर तैयार हैं। आप मेरे तरीके से सेवइयां ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।